वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं ढाओ क्रूज एंड विच इज़ इन मरीना। हमारे जो है वो मरीना में ही है एंड हम लोग मरीना स्पीड बोट टूर करके आ रहे हैं अभी। तो वहाँ से हम लोग ने ट्रैम लिया सबसे पहले, उसके बाद वॉकिंग है 1.5 किलोमीटर का। तो अगर आप चल सकते हो तो आप आना, अदरवाइज आपको टैक्सी करनी पड़ेगी ट्रैम से। हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई है। अब देखो मरीना में ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है एंड जस्ट लुक एट द फेस। तेल से बहुत ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड है। आई थिंक अक्टूबर है इसलिए आई डोंट नो, यूजुअली बोला जाता है कि नवंबर एंड दिसंबर एंड जैन आर द गुड टाइम्स टू विजिट दुबई। अभी मरीना में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, दुबई साइड इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है। बाय दुबई आई मीन बुर्ज खलीफा साइड या फिर डियरा बर दुबई साइड, उस साइड इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, बट यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत है। यस एंड हम ये किसके थ्रू है ढाओ क्रूज? अपने ढाओ क्रूज भी क्लूक से बुक की है हमने। अगेन क्लूक का एक बहुत इंटरेस्टिंग पास आता है, इसका हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे सो दैट आपको ज़्यादा हेल्प हो पाए एंड यू नो टू द पॉइंट फिर वो वीडियो बनाएंगे। तो पीछे ना सारे यॉट्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पूरा। ऑल्सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि स्पीड बोट टूर हो या फिर ढाओ क्रूज हो, आप कुछ एयरी एंड लाइट पहन के आए, शॉर्ट्स पहन के आए, खुला कुछ तो पहन के आए सो दैट यू सर्वाइव। एक्चुअली हम लोग ने तो फुल शर्ट एंड पैंट पहन के आ गए हम लोग एंड बस पूरे पिघल चुके हैं। सो मैं आपको पूरा व्यू दे देती हूँ ये वाले एरिया का एंड देन हमारी क्रूज कहाँ पार्क है वहाँ पे चलते हैं। तो ये एरिया है जहाँ से हमारी ढाओ क्रूज हमें मिलने वाली है। जस्ट लुक एट दीज बिल्डिंग्स एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ लूँ इस व्लॉग में, लेकिन नेकेड आइज से जो ब्यूटी है ना वो कैमरा जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है। आई विल से कि 2% भी अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। कितना प्रिटी लगता है ये सब जब आप खुद से देखते हो, खुद से एक्सपीरियंस करते हो एंड वो देख रहे हैं आप, दैट इज़ आई इन दुबई। तो दुबई आए सबसे बड़ा, लाइक सबसे बड़ा या सेकंड लार्जेस्ट पेरिस व्हील है, फर्स्ट लार्जेस्ट, इट्स ट्वाइस द साइज ऑफ लंदन आई। सो ट्वाइस द साइज ऑफ लंदन आई, सबसे बड़ा पेरिस व्हील है ये एंड दिस वे इज आर वे टूवर्ड्स आर क्रूज। सो लेट्स गो। यहाँ पे काफी सारे जो यॉट्स हैं वो पार्क्ड हैं, हमारी वाली थोड़ी आगे है। सो ये जो है ये पूरा डेक है, वहाँ पे यॉट्स हैं, यहाँ पे सारे यॉट्स हैं एंड आगे तक आप देखते जाएंगे तो सारे यॉट्स ही हैं। बट इट्स अ वेरी गुड एरिया, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो, पीछे बड़ा सा प्लेग्राउंड भी है। Now you see all this crowd, तो हम सभी लोग जा रहे थे ढाओ क्रूज की तरफ। तो 3 से 4 ढाओ क्रूज थी अलग अलग। मेरी जो ढाओ क्रूज है उसका जो नाम है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ इन केस आपको विजिट करना है तो। एंड आप ये देख रहे हैं जो वाइट वाली है ये यॉट है एंड उसके बाजू वाली जो ब्राउन एंड गोल्डनिश आपको दिख रही है ना वो ढाओ क्रूज है। तो सारे यॉट्स एंड क्रूजेस एक साथ ही पार्क थे, वेरी वेल लिट, सुंदर लग रही थी बाहर से देखने में तो। एंड हम लोग फिर अब एंटर कर रहे थे। सो बेसिकली इसके 2 फ्लोर्स हैं, हमने नीचे वाला फ्लोर लिया क्योंकि बहुत ही ह्यूमिडिटी के चक्कर में ऊपर बैठना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता। अंदर से थोड़ा एसी था नीचे वाले फ्लोर में, सो इट वाज़ अ लिटिल कन्वीनियंट। मैं चाहती थी एटलीस्ट मैं खाना खाऊँ तो एटलीस्ट थोड़ा पीस में खाऊँ। अंदर से कुछ इस तरीके का दिख रहा था। लोग ने हम लोगों को वाटर बॉटल दी थी कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छी 1.5 लीटर वाली बड़े साइज़ की वाटर बॉटल थी। देन वेलकम ड्रिंक्स वगैरह भी थे, यहाँ पे अल्कोहल भी था इन केस समवन इंटरेस्टेड, तो वो बाय करना होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। ये जो वेलकम ड्रिंक है ये कॉम्प्लीमेंट्री था। बेसिकली जूसेस थे 2-3 तरीके के, मैंने ऑरेंज जूस लिया था एंड मिक्स फ्रूट जूस लिया था। ये पूरा सीटिंग है अंदर का एंड अगर आप ढाओ क्रूज में आओगे तो खाना भी आपको साथ में ही मिलेगा, इट्स इंक्लूसिव। ऊपर जाके कुछ नज़ारा ऐसा था, सो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर गए थे देखने के लिए कि क्या हम वहाँ बैठ सकते हैं, जैसे कि मुझे लग रहा था नहीं, बहुत ह्यूमिडिटी थी, सो वी डिसाइडेड टू सिट नीचे ओनली। सो ऊपर ऐसे स्टेयर्स दिए गए थे, जब आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी बहुत सारे टेबल्स हैं एंड खाना भी है। सो एग्जैक्टली जो नीचे का रेप्लिका ऊपर है, नीचे भी खाना था एंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट थी, ऊपर भी खाना एंड सीटिंग अरेंजमेंट थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ह्यूमिडिटी होने दो, मुझे बाहर थोड़ा सा से फील लेना है क्योंकि फील तो ऊपर आता, तो आप बैठ सकते हो। खाना चावल दाल पास्ता नूडल्स फ्राइड राइस, खाना अच्छा था,
मैंने व्लॉग्स देखे थे तो ऐसा काफ़ी फीडबैक था कि खाना बहुत ही बेकार है, बट खाना अच्छा था. फ्रूट सैलेड एंड देन स्वीट डिश भी थी, सो ओवरऑल खाना वाज ओके. ये रही मेरी प्लेट, तो हम दोनों ने अलग अलग चीज़ें ली थी सो दैट हम सब कुछ ट्राई कर सके. मैंने राइस लिया था, देन कबाब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो कबाब हाईली रिकमेंडेड है. चिकन करी वॉज ओके. देन ये कोफ्ता है, नूडल्स हैं एंड थोड़ी सी सैलेड है एंड रोटी ली है, सो ओके. ये जो अभी आपने देखा ये तनूरा परफॉर्मेंस है, इनका ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होता है. बहुत मेहनत लगती है, भैया घूमते ही रहे एंड ये जो अटायर है पूरा बहुत हैवी था. उसके बाद ऊपर आयन दुबई दिख रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि लाइट्स चल रही थी उसमें, तो काफ़ी सुंदर सुंदर सा लग रहा था. अच्छा, नीचे बैठने का एक ड्रॉबैक ये था कि देख सकते हो पूरी ओस जम गई है विंडो पे, तो बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था. सो यू हैव टू ट्रेड ऑफ, एसी चाहिए या फिर नज़ारे. ओवरऑल दिस वाज ढाव क्रूज का एक्सपीरियंस. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो.